नमस्कार, एबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए भिवानी में, और भिवानी का ये सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बाहर से भी जो मुजरिमों को लाया जाता है, और आप देख सकते हैं कि मुजरिम जा भी रहे हैं, और कई पैरवी करने वाले लोग, अधिवक्तागण, सभी लोग और जजेस का यहाँ आना जाना रहता है। बावजूद इसके यहाँ पर जल निकासी का कोई साधन नहीं है, जिसकी एक वानगी आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपने अपनी बाइकों से यहाँ आने को मजबूर हैं, चाहे अधिवक्ता हों, चाहे जज हों, चाहे मजिस्ट्रेट हों, और चाहे मुजरिम किसी को भी किसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि सभी अधिवक्तागणों को चाहे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए आप, मैं आपको बता दूं, भिवानी जहाँ पर के लोग न्याय के लिए आते हैं, और न्याय के इस बंदर में ये जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। और हमारे भी कभी अधिवक्तागण भी मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जानकारी लूँगा कि वो इस जल भराव को किस तरीके सर, ये जो जलभराव है और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये न्याय का मंदिर है, या लोग न्याय के लिए आते हैं और यहाँ बहुत दूर क्षेत्रों से लोग आते हैं। मैं तो जब से यहाँ बगालात में आए तब से पानी की व्यवस्था ऐसी भंग देखी है, यहाँ कभी पानी की निकासी हुई नहीं, और आज भी यहाँ न्यायालयों में भी पानी भरा हुआ है, कोर्ट में क्या अंदर ADJ बिल्डिंग में चैम्बरों में पानी भरा हुआ है। तो इस पानी को तो ये जज साहब जब निकलवाएंगे, अपने चैम्बरों का पानी नहीं निकलवाएगा। जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है, नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है, जुडिशरी की भी जिम्मेदारी बनती है, दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसका सुधार हो, जैसे भी सुधार हो सके, जिससे बाधकारियों को और अधिवक्ताओं को कुछ लाभ मिले, पानी में नहीं भागना पड़े हम लोगों को। अभी और भी अधिवक्ता हमारे बीच मौजूद हैं, सर दिखाइए। सर आपका नाम? एडवोकेट नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक फुट ये पानी यहाँ भरा हुआ है, तो यहाँ किस तरीके के हालात में आपको यहाँ काम करना पड़ रहा है? काम करना यहाँ बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, तो जगह जगह पानी भरा हुआ है, पानी में नंगे पैर हमें चलना पड़ रहा है जी। और ये हमारे नगर निगम की बड़ा ही, क्या कहें, नगर निगम जैसे हमारे सामने है, और उसके बावजूद भी नगर निगम अपने सामने अपने स्तर का इसका पानी का निकासी नहीं कर पा रही है, और जुडिशरी भी इसको कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या उन्हें संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। इसमें किसका, किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको मैं अपने नगर निगम को तो जिम्मेदार है ही है जी, लेकिन साथ में हमारी जुडिशरी भी जिम्मेदार है, क्यों वो अपना दबाव नहीं बना पा रही, उनको अपना काम नहीं करवा पा रही है, समुचित रूप से हो। तो क्या होना चाहिए, कोई समाधान आपको? समाधान इसके लिए इनको पंपिंग मशीन लगवानी चाहिए, जिससे कि पानी की निकासी हो, और स्थायी रूप से निकासी के लिए इन्हें सीवर लाइन की व्यवस्था करनी चाहिए, और जिससे पानी आसानी से बाहर जा सके। एक अधिवक्ता गढ़वाल भी चौधरी साहब, भाई साहब, तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ की जो स्थितियों को आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये देखिए आप ये नज़ारा, कि जल भराव जो मैं आपको बनाए हुए जल भराव नहीं है, ये आप जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, भिवानी के चारों ओर जहाँ भी आपकी नज़र जा सकती है, वहाँ आप देख सकते हैं कि जल भराव है। और यहाँ के हालातों से देखिए, ये देखिए किस तरह के हालातों में जो फरियादी हैं, पीड़ित हैं, और वादी पक्षे, प्रतिवाद के पक्षे, सभी पक्षे आते हैं, सुदूर क्षेत्रों से यहाँ लोग आते हैं, और ये देखिए किन 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 दुश्वारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, आप ये देख सकते हैं। सर आपका नाम? मैं मोहम्मद शाही कह रहा हूँ। ये जल भराव जो कब से हो रहा है, और इससे किस तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है आपको? इसमें इससे ये परेशानी हो रही है हम लोगों को आने जाने में, जबकि कोर्टों में भी पानी भर रहा है और न्यायालय में पूरी तरह से पानी भर रहा है और जलमग्न हो गया है। दो दिन से ये समस्या है कि कोर्ट का आना जाना बंद हो गया है और काम ठप हो गया है पूरी तरीके से। इसमें नगर निगम हमारा कोई जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं दे रहा, और नहीं हमारे इसको किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? सबसे बड़ी तो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए, इस तरह निकासी का इंतजाम किया जाए कि पानी जल्दी से जल्दी बह जाए, और ना ही कोई पंप लगाए गए हैं, ना ही कोई व्यवस्था की गई है पानी को हटाने के लिए। तो आप अधिवक्ता हैं, या आपको कई तरीके के क्लाइंट्स की जो
समस्याओं को बेल भी करनी पड़ती है, कई काम आते हैं, काम पूरी तरह से ठप है जी, और नंगे पैर जाना पड़ता है, चप्पल पहन के जूते भी भीग जाते हैं, और कहीं कहीं पे तो मोटरसाइकिल आदमी फिसल जाता है तो गिर जाता है पानी में। अगर मैं देख रहा हूँ कि सभी अधिवक्तागण अपने अपने कैमरों में कैद हो गए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये बाहर आने में भी उतरे हैं, देखिए ये देखिए अपने अपने कैमरों में कैद हैं, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए